हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सीखेंगे कि हम लोग जो हैं एक्सेल को, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, वो हम अगर हम मोबाइल में करना चाहें तो हम किस तरीके से मोबाइल में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेल की शीट को। तो ये आपके पास मोबाइल की एक स्क्रीन है। इसमें आपको सबसे पहला जो आपको काम करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे ऑफिस नज़र आ रहा है, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑफिस जो है आपके पास ये है, यहाँ पे न्यूज़ के बराबर में। तो इसको मैं ओपन करूँगा ऑफिस को। ऑफिस को ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ पे जो है होम के बराबर में एक डायमंड बना हुआ है, डायमंड के बराबर में फाइल का ऑप्शन है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा फाइल को। फाइल को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेयर्ड विथ मी द डिवाइस एड अ प्लेस और ब्राउज आ जाता है दिस डिवाइस। तो मैं दिस डिवाइस पे जाऊँगा। दिस डिवाइस पे जाने के बाद उसके बाद जो है मुझे जाना पड़ेगा स्टोरेज पे। स्टोरेज पे जाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ से कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद मीडिया आ जाएगा, मीडिया पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मीडिया पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उसमें आपको व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो है वो जो विंटर वेकेशन का आप जो जैसे ही वहाँ से डाउनलोड करेंगे अपने ग्रुप से, तो यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी क्लास 7 वर्कशीट वेकेशन के नाम से। इसको हम ओपन कर देंगे। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो ऑन होगा स्क्रीन वो किस तरीके से आएगी वो अभी हम देख लेते हैं। हम जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी जो मैंने आपको वहाँ पे सेंड करी है, और ये पूरी आपके पास शीट है। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे मोबाइल के अंदर वो देख लेंगे। अब हम तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले कि आपको जो है सिर्फ जो काम करना है वो करना है आपको F4 वाले सेल में। तो F4 सेल का यहाँ पे पास ये F नज़र आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ये F है और इसका 4 अगर चेक करेंगे तो यहाँ से ये 4 है आपके पास। तो सिर्फ हमें ये जो आपके पास ब्लू कॉलम है, सिर्फ हमें या ब्लू सेल है इस पे काम करना है, बाकी हमें किसी चीज़ पे यूज़ नहीं करना। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से फॉर्मूला पुट करेंगे वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और लिखने के लिए मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसमें लिखना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से कीबोर्ड आ जाएगा। अब आप चेक कर लें कि हमें B4, अब ये आपके पास 21 जहाँ लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, आपके पास B4। तो हम यहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे B और 4, या हम B और 4 को सिलेक्ट कर लेंगे या B और 4 टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड बना हुआ है, कीबोर्ड पे सिलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कीबोर्ड आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाना है, फॉर्मूला में आपके पास सबसे पहले आता है इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू कहाँ आएगा आपके पास, ये रहा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है या ब्रैकेट का साइन लगाना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट जो है सेल का नंबर लिखेंगे। सेल का नंबर क्या है हमारे पास, B और 4। तो हम यहाँ लिखेंगे B और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद हमें जो है बीच में आपके पास क्या दिया हुआ है, ऐड करना है, यानी कि हमें प्लस करना है, तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद कहाँ तक ऐड करना है हमें, D और 4, क्योंकि D4 में आपके पास येलो कलर दिया हुआ है, तो D4 लिखेंगे अब हम यहाँ पे, D और फिर 4। और जैसे ही जो है हम आखिरी वाला जो क्रॉस के नीचे वाला बटन है यानी कि एंटर का बटन दबाएंगे, तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा 57। अगर आपके पास 57 आंसर के बराबर में अगर आपके पास यहाँ पे करेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने इसको काम सही करा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मकसद है कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगाया है। तो इसी तरीके से आपके पास अगला भी होगा, यहाँ पे भी आके हम लोग यही काम करेंगे कि हमें इसको ऐड करना है 26 से, तो और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद जिस सेल को करना है यानी कि 26 को, तो B6 को सेलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे हम। मल्टीप्लाई का सिंबल यानी कि स्टेरिक आएगा आपके पास। उसके बाद कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है आपको, D4 तक, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, D6 को सॉरी। और जैसे ही जो है हम एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक 798। तो इस तरीके से जो है आप पूरी फाइल को जो है सॉल्व करेंगे और फिर जो है आप इसको सेंड करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर दो फाइल्स हैं आपके पास, एक फाइल ये है आपके पास और एक और फाइल है उसमें नीचे आपके पास है ऑप्शन। तो इन दोनों फाइल्स को जो है आपको सॉल्व करके इसी तरीके से
यहाँ से ऊपर जो है आपके पास ये आ रहा है आपके पास, जिससे जो है हम फाइल को शेयर कर सकते हैं। फाइल को शेयर करने के लिए आपको जो है यहाँ पे व्हाट्सएप बना हुआ है, तो जब आप सॉल्व कर चुके होंगे फिर आप जाएंगे यहाँ पे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद या तो आप जो है ग्रुप के नंबर पे मैसेज कर देंगे, या जो है आप मैडम के पर्सनल नंबर पे सेंड कर देंगे जो आपकी फाइल आपने सेव करी है।